गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एयर प्रूनिंग के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था कि एयर प्रूनिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि एयर प्रूनिंग के लिए हमें किस तरह के पॉट का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि हमारे पॉट सेल्फ एयर प्रून्ड होते रहें और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहे। तो आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम उन पॉट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एयर प्रूनिंग के लिए जो बेस्ट पॉट माने जाते हैं वो मुझे दो तरह के पॉट्स लगते हैं। एक तो ये कोको फाइबर वाले पॉट, ये देखिए, ये कोको फाइबर वाले जो पॉट हैं ये एयर प्रूनिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कई सारे प्लांट इनमें लगे हुए हैं। पहले मेरे बहुत सारे प्लांट इनमें लगे हुए थे, लेकिन किसी वजह से मैंने उन्हें हटा दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ने की वजह से मुझे उसमें से कुछ प्लांट हटाने पड़े थे। लेकिन मैं आज आपसे शेयर करूंगी एक तो ये इस कोको फाइबर पॉट के बारे में, और दूसरा जो पॉट्स होते हैं वो होते हैं जियो पॉट्स। जियो पॉट्स इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, जब वो आएंगे तो मैं आपके साथ उन्हें ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन कोको फाइबर पॉट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप कहीं भी अपने लोकल नर्सरी शॉप पर, जहाँ आपके पास आसपास गार्डनिंग की शॉप हो, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ये कोको फाइबर पॉट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपने कोको फाइबर की बास्केट्स तो देखी ही हैं, बास्केट्स तो सभी के पास जनरली होती ही हैं। इस तरह के पॉट्स ट्रे, जैसे हम ट्रे खरीदते हैं, शैलो ट्रेज होती हैं, उसमें भी छोटे छोटे कप सीडलिंग के लिए लगाने के लिए भी कोको फाइबर के बहुत सारी वैरायटीज़, कई कलर शेप में पॉट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन मेरे पास लगाने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं ज़्यादा पॉट्स नहीं मंगाती, इसलिए मैंने ये इस तरह के शेप के पॉट मेरे लिए सूटेबल थे, जिन्हें मैं आसानी से रख सकती हूँ। इसलिए, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि हमें किस तरह के पॉट्स यूज़ करने हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको बहुत तरह की वैरायटीज इसकी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि ये पॉट हुए चाहे जियो पॉट्स हुए, किस तरीके से वर्क करते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए। ये जो कोको फाइबर पॉट्स हैं, आपको इनमें स्पेस, आप इन्हें देखेंगे, देखिए मैं इस पॉट में दिखाती हूँ, मेरे में आपको इस तरीके से स्पेस दिख रहा होगा। इन स्पेस के थ्रू अब जो हमारे प्लांट्स की रूट हैं, हमारे इनमें एयर सर्कुलेशन होता रहता है। जब पॉट्स की ग्रोथ होने लगती है और उसकी रूट हमारे इस पॉट्स के पास आने लगती हैं, तो इनमें हवा का वेंटिलेशन होता रहता है। और जब भी हॉट और ड्राई एयर चलती है, तो जैसे ही वो रूट्स इस पॉट्स के पास आती हैं, ऑटोमेटिकली बर्न होने लगती हैं, क्योंकि इनमें हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होता है। हवा का वेंटिलेशन होने की वजह से वो रूट्स अपने आप ही बर्न होने लगती हैं और उनकी जगह न्यू रूट्स डेवलप होने लगती हैं। देखिए, मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए, आप इनमें देखिए कितना स्पेस है। जब इनमें हम किसी प्लांट को लगाते हैं और उसके बाद उसमें वाटरिंग करते हैं, तो ये अपने आप ही खुलने लगते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इनमें आप सोचिए कि हवा का वेंटिलेशन कितना अच्छा होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो पॉट्स होते हैं उनमें एयर का वेंटिलेशन, हवा का वेंटिलेशन कितना अच्छा होता होगा। तो इनमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम ही नहीं आती। इस तरह के पॉट्स में आपको रूट बाउंड की प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि जितनी भी रूट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम वर्न होती रहेंगी और प्लांट न्यू ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि मेरे जो दो इन पॉटों में ये प्लांट्स लगे हुए हैं, मैंने इनको अप्रैल में लगाया था, वो भी सीडलिंग के थ्रू। अप्रैल में लगाने के बाद मई जो जून की मेरी गर्मियाँ पड़ी थी, उसमें मेरे कई सारे प्लांट डेड हो गए। इनफैक्ट सनफ्लावर के भी मेरे कई सारे प्लांट, ये सनफ्लावर का मेरा इसमें प्लांट लगा हुआ है, मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था कि इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो कई सारे प्लांट, बिंका के प्लांट भी मेरे डेड हो गए बहुत ज़्यादा समर में। बारिशों के दिनों में भी मेरे बिंका के तो कई सारे प्लांट ख़त्म हो गए जो मैंने क्ले पॉट्स में लगाए थे। लेकिन इन दोनों पॉट्सों में मेरे जो प्लांट लगे हुए थे, उनकी ग्रोथ आप अभी भी देख सकते हैं कि वो कितनी हैवी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये देखिए।
ये देखिए कितने अच्छे से अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मई जून की गर्मी हैवी बारिश में भी इन प्लांट की ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। अमूमन क्ले पॉट में या सीमेंट पॉट में जब कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो या तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मरने लगता है या बहुत ज़्यादा बारिश में पानी के रुकने के कारण मरने लगता है, लेकिन इन पॉट्स में दोनों ही समस्याओं के कोई कारण ही नहीं है। एक तो इसमें हवा का वेंटिलेशन बना रहता है इसलिए रूट्स नई नई डेवलप होती रहती हैं, और दूसरा इसमें पानी भी नहीं रुकता क्योंकि जब इतने पोरस इसकी जड़ ये होती हैं बॉल, इसमें से पानी जैसे ही आप डालेंगे तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। इसलिए ऐसे प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप इसमें पानी डालो तुरंत निकल जाए केवल उनको जड़ों को पानी मिले, उनमें आप इन पॉट के लगाइए, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने पर भी वो प्लांट मरेंगे नहीं क्योंकि जैसे ही इनमें पानी जाएगा वो तुरंत निकल जाएगा, केवल जड़ों को पानी मिलेगा और तुरंत निकल जाएगा, इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या ही नहीं होती। इसलिए इसमें किसी भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मेरा अपना बेस्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे अब तक के सबसे जो बेस्ट पॉट लगे हैं वो ये कोको फाइबर पॉट ही लगे हैं। आप इनकी हैंगिंग बास्केट बनाएं, आप इनके इस तरह के पॉट लेकर आए, आप इनको सैलो ट्रे लाए या सीडलिंग करने के लिए आप इनके वो ले कप्स लेकर आए, सभी चीज़ें इनकी बहुत बेस्ट हैं। दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल हैं। अगर ये प्लांट जैसे जैसे मेरे प्लांट ख़राब होने लगेगा मैं इसे कंपोस्टिंग में भी यूज़ करती हूँ या फिर किसी बड़े पॉट में इसे मैं शिफ्ट करूँगी तो मैं डायरेक्ट मुझे इसको निकालने की प्लांट को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इसे डायरेक्ट उस पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और धीरे धीरे ये उसी में डीकम्पोज होता रहेगा और उसकी जड़ें बाहर फैलती रहेंगी। तो ये पॉट बहुत बेस्ट हैं। आप अगर अपने गार्डनिंग में इस तरह के पॉट यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स कई सालों तक बने हुए रहेंगे। आगे मैं जो वीडियो शेयर करूंगी उसमें बताऊंगी कि इस पॉट के फायदे और नुकसान क्या हैं, इसमें किस तरह की सॉइल तैयार करनी चाहिए हमें इस प्लांट के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो ये था कि ये प्लांट किस तरीके से एयर प्रून का काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ। अगर आपके आसपास इस तरह के पॉट्स नहीं मिलते हैं तो आप ये देखिए, ये मेरी की प्लास्टिक की बाल्टी है, मैंने इसमें कितने सारे ड्रेनेज होल बना रखे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मैंने पीछे तक इस तरीके से इसके बहुत सारे ड्रेनेज होल बना रखे हैं। और आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए, कितना हेल्दी प्लांट है ये देखिए, कितना हेल्दी, कितना अच्छा प्लांट है। दोस्तों जब इस तरह के ड्रेनेज होल हमारे पॉट्स में होते हैं तो उनमें हवा का वेंटिलेशन बना रहता है, हमारी रूट्स जो अंदर से ज़्यादा वाटरिंग के कारण या फिर किसी फंगस वगैरह के कारण सड़ती नहीं है, उनमें हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा बना रहता है। एयर प्रूनिंग किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट मेथड माना जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरी दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आगे एक नई जानकारी के साथ कि हमें किस तरीके से इस तरह के पॉट के लिए सॉइल मिक्सचर बनाना चाहिए, इनके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, किस तरीके से ये हमारे गार्डन में वर्क करते हैं, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। गुड बाय दोस्तों।